जिनके आने का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष श्री धनंजय मुंडे जी, जिनकी वाणी से और रचनात्मक टीका से सत्ताधारी दलों को भी पसीने छोड़ जाते हैं, ऐसे नेता आज हमारे बीच मौजूद है। ये हमारा सौभाग्य है और ये राहुल कराड़ सर की देन है, जिनके मेहनत की बदौलत आज इस तरह के नेता हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फिर एक बार मैं आप सबको विनती करता हूं कि उनको तालियों से जोर से स्वीकार करें। इसके पहले कि वो हमें संबोधित करेंगे, मैं विनती करूंगा राहुल कराड़ सर और डॉक्टर हरिदास मैडम को कि वो उन्हें गौरवान्वित करें। एक छात्र को भी मैं विनती करूंगा कि वो आ जाए। रजत, महाराष्ट्र के बहुत कम नेताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे धनंजय मुंडे जी जैसे लोग हैं जिनके साथ रहकर राजनीति में सीखने को भी मिल रहा है, और उनका खुद का भी यह सौभाग्य रहा है कि गोपीनाथ मुंडे जी, पंडित अण्णा मुंडे जी, श्री शरद पवार जी और ऐसे अन्य कद्दावर नेताओं के साथ उन्हें रहने का, सीखने का मौका मिला है। प्रमोद महाजन जी का भी नाम लिया जा सकता है, जिनके साथ उन्होंने दीर्घ काल तक प्रवास किया है। तो मैं अब उनसे विनती करता हूं, धनंजय मुंडे जी से, कि वो आकर हमें संबोधित करें। धन्यवाद। MIT School of Government, Pune. जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से आप सबके बीच में मैं आज शामिल हुआ हूं, मेरे भाई, मेरे अच्छे दोस्त सम्माननीय राहुल जी, सम्माननीय हरदास मैडम जी, उपस्थित, मैं स्कूल तो नहीं कहूंगा, इस MIT के परिवार के सभी आने वाले समय में जो राजनीति करने वाले हैं, सभी उपस्थित यहाँ मौजूद भावी नेता, हर एक के जीवन में एक आकांक्षा होती है, हर एक कोई चाहता है कि मेरे जीवन में एक ऐसा पड़ाव आए जिस पड़ाव को पार करके आपके जीवन में बहुत खुशी मिलती है। आज मैं जिस कार्यक्रम के लिए MIT में आया हूं, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव है। पिछले 12 साल से मैं इस इंतजार में था कि मेरा नंबर कब आएगा। मुझे जो निमंत्रण पत्र आया है, उस निमंत्रण पत्र में
सब्जेक्ट ही लिखा है इंटरैक्टिव सेशन इन योर जर्नी ऑन योर जर्नी इन पॉलिटिक्स. अब मेरे सामने ऐसा सवाल खड़ा है कि आरंभ से प्रारंभ करूं या प्रारंभ से आरंभ करूं, क्योंकि जब मेरे नाम के आगे मुंडे आ जाता है तो स्वाभाविक मैं राजनीतिक परिवार से हूं. ये एक तरह से बंद जाता है. हाँ, ये सही है कि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं. बचपन से मैंने मेरे परिवार में राजनीति देखी है, लेकिन आज जिस MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस में आया हूं, जीवन में पहली बार बात करने में अपने आप पे एक बोझ मुझे लग रहा है, थोड़ा सा डर भी रहा हूं. क्यों समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं उन सब के सामने बात कर रहा हूं जो राजनीति का हर एक पहलू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं जिस तरीके से राजनीति देखता हूं उसमें इस पढ़ाई से आप परिपक्व बनने की कोशिश आज इस स्कूल में कर रहे हैं. कभी कभी कई पिक्चरों में आप एक डायलॉग देखते हैं, कोई चोरी करता है तो उससे अगर कोई पुलिस वाला ये कहता है कि तू जिस स्कूल का स्टूडेंट है मैं उस स्कूल का हेडमास्टर हूं, और मैं जहां पे आज राजनीति कर रहा हूं उसमें आप मास्टरी ले रहे हो, इसलिए मेरे मन के ऊपर एक दबाव सा है. मुझे पहले सबसे ये टेंशन आया था कि भाई अब मैं MIT स्कूल में जाऊंगा तो मुझे इंग्लिश में भाषण देना होगा. तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, फर्क यह है कि इंग्लिश भाषण करने में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिस चीज में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज में हाथ डालने की मैं कोशिश नहीं करता हूं. एक चीज जहां आप पढ़ रहे हो वहां मैंने मेरे जीवन के पढ़ाई के सारे दिन इसी इलाके के आजू बाजू में मैंने निकाले, क्योंकि मैं रहने को यहां था, पढ़ाई सिम्बोसिस लॉ में लेता था. मेरी मेस थी बारामती हॉस्टल, शाम को हम सब हमारे दोस्तों के साथ बैठते थे मराठवाड़ा हॉस्टल और चाय पीने जाते थे वैशाली रूपाली में. तो आपकी ये हंसी बताती कि आप में से कहीं ली मैं जानना चाहता था, क्योंकि आजकल मैं पूना में ज्यादा नहीं रहता हूं, लेकिन क्या वही सब कुछ वैसा ही है जो आज है कि जैसे हम वैशाली पे जाते थे आज की पीढ़ी भी जा रही है? तो ये थोड़ी सी जानने की कोशिश की तो आपके हंसी ने मुझे बता दिया कि जरूर कहीं ना कहीं जगह बदली होगी, लेकिन आदतें तो एक जैसी जो हमारी थी वो आपकी. मेरी राजनीतिक शुरुआत 1995 में, जब मैं सिम्बोसिस कॉलेज में सेकंड ईयर को था, तब से हुई. मैं नहीं जानता था कि राजनीति में मैं यहां तक पहुंचूंगा. मुझे तो बस
जो राजनीतिक मेरे परिवार में चल रही थी, जो राजनीति मेरे परिवार में चल रही थी, मेरे चाचा को, मेरे पिताजी को मेरे काम से मदद हो, इस कारण से मैं राजनीति में आया था। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि भाई एक सपना जो लोग देख रहे हैं मेरे चाचा के प्रति, कि वो इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री बने, वो सपना मेरे जीवन का कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर आखिरी आखिरी में आप राजनीति के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मैंने राजनीति के लिए पढ़ाई छोड़ी। लास्ट ईयर में लोकसभा का चुनाव लगा, फिर उस चुनाव में मैं यूथ पॉलिटिक्स में गया। 1996 में सबसे पहले मुझे राजनीतिक जिम्मेदारी मिली, वो भी एक ऐसी संगठना जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार बनाई थी। वो संगठना थी भारतीय जनता युवा मोर्चा की स्टूडेंट विंग। मैं अध्यक्ष बनने के पहले कोई स्टूडेंट विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। तब स्टूडेंट विंग एबीवीपी काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लगा कि एबीवीपी ये भारतीय जनता पार्टी का खांदे पे झंडा लेके काम नहीं करती, तो हमें पार्टी की ऐसी संगठना स्टूडेंट विंग की बनानी चाहिए जिसमें वो स्टूडेंट पार्टी का विचार झंडा लेके स्टूडेंट अपने पार्टी के विचारधारा में लाने चाहिए। वो जिम्मेदारी मुझे दी। तब मेरा संघर्ष सबसे पहले अपने स्टूडेंट विंग को आगे बढ़ाने के लिए जो हुआ वो एबीवीपी के साथ ही हुआ। फिर पार्टी ने दो बार मुझे यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। 99 में पहली बार यूथ प्रेसिडेंट का वाइस बना, फिर बाद में 2002 को दिया, फिर दो बार जनरल सेक्रेटरी बनाया। और आप सबके जानकारी के लिए, मेरे परिवार में राजनीति होने के बावजूद, मेरे परिवार में राज्य के नहीं बल्कि इस देश के नेता जो मेरे चाचा है वो होने के बावजूद, 96 से शुरू की मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स। काम करते करते 11 साल लग गए 2007 में। 2007 में मुझे यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि प्रत्यक्ष राजनीति करते समय आज जिस मकाम पे मैं खड़ा हूं, आप सबको शायद ये भी लगता होगा कि मैं परिवार से जुड़ा हूं, परिवार का नाम है, उस कारण से राजनीति में मुझे बस परिवार ने रात को सोचा और सुबह मैं नेता बन गया। भाई बहनों, ऐसी बात नहीं है। आज आप सबको मैं यूथ लग रहा हूं, लेकिन मैंने ये बड़ा लग रहा हूं, इसका कहने का मतलब यह है कि जिस उम्र में जो चीज मैंने खोई है वो आज मुझे वापस नहीं मिल सकती। हां, मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि मेरे परिवार की वजह से मुझे रिकग्नाइजेशन मिली, मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, और वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद 11 साल संगठन में काम करने के बाद मुझे संगठन के युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। जीवन में सबसे पहला चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी 2002 में मिली।
आप सबको लगता होगा कि यहां से आप कोर्स करने के बाद अलग अलग जिम्मेदारी लेके काम करेंगे, राजनीति में काम करना यानी देश के लिए काम करना है, देश को मजबूत करना है। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में था तो 2002 की जिला पंचायत, जिसको महाराष्ट्र में जिला परिषद कहते हैं, वो 2002 का चुनाव मैंने पहले लड़ा। तो उस चुनाव में मैंने किस चुनाव क्षेत्र में खड़ा रहना चाहिए इसके लिए मेरे चाचा और मेरे पिताजी में झगड़े हुए। पिताजी ये कहते थे कि सबसे अच्छा और आसान चुनाव क्षेत्र जो है वो धनंजय के लिए देना चाहिए, और चाचा ये कहते थे 1978 में जिस चुनाव क्षेत्र से मैं चुन के आया हूं उसी चुनाव क्षेत्र में धनंजय ने खड़ा रहना चाहिए। तो पिताजी मेरे उनके छोटे भाई को ये कहते थे कि तू मेरे बेटे को गिराने के लिए खड़ा कर रहा है या लाना है या गिराना है। तब उन दोनों भाइयों ने ये किया कि ठीक है, जो निर्णय लेना है धनंजय लेगा और मैं मेरा होम तालुका होम टाउन छोड़ के जहां चाचा की इच्छा थी वहां पे चुनाव लड़ा पहली बार 2002 में, जो वहां पे तत्कालीन जिला परिषद के 10 साल से मेंबर रहते, वो भी एक मंत्री के, माननीय मंत्री जी के बेटे थे, उनका मेरे सामने हमारा आमना सामना हुआ और 200 वोट से राहुल जी मैं वहां पहला चुनाव जीता। तब मुंडे साहब का भतीजा जिला परिषद के चुनाव में खड़ा है ये चर्चा पूरे महाराष्ट्र में फैली, और उस समय यह भी चर्चा हो गई कि जिसका सामना धनंजय के साथ हो रहा है धनंजय जीत नहीं पाएगा। आज मैं भाषण करता हूं, लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूं, मुझे नहीं लगता आज भी, लेकिन उस चुनाव में मैं पहले चुनाव में मैंने एक भी भाषण नहीं किया था। मैं मेरे अनुभव आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं, मैंने चुनाव क्षेत्र में जितने गांव थे हर गांव के हर घर के दरवाजे के चौखट पे ये माथा टेका है, तब जाके 200 वोट से मैं पहला चुनाव जीता। इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर 2007 में वापस उसी चुनाव क्षेत्र में लड़ा, 4000 वोटों से जीता। 2009 में कुछ ऐसी चीजें घटी जो घटनी नहीं चाहिए थी। 2010 में मैं प्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंटेरियन काम में आया और विधान परिषद का सदस्य बना। एक खुशी की बात है कि मेरे जैसा सौभाग्य आप में से किसी को नहीं मिल सकता। वो सौभाग्य क्या है कि शुरुआत से मैंने मेरे चाचा के सहवास में साये की तरह उनके साथ में रहता था, वो एक अलग अनुभव मुझे मिला। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के आज जो हुज हु आप देख रहे हो उन सब के साथ मैंने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हर जगह उनके साथ घुमाऊं, वो भी मुझे साथ लेके घूमते थे। इतना ही नहीं, अटल जी से लेके, अडवाणी जी से लेके, प्रमोद जी से लेके, शत्रुघ्न सिन्हा जी से लेके, उमा भारती से लेके, आज जो मध्य प्रदेश के सीएम है, एक समय ऐसा था कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसी समय मैं महाराष्ट्र का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। इन सबके साथ रहा और आज मैं जिनके नेतृत्व में काम कर रहा हूं, जिस कारण मेरी पहचान आपके साथ हुई है, ये विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मुझे आदरणीय पवार साहब ने दी, आज मैं उनके साथ कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। जैसे एक विश्व शांति का विद्यापीठ है जो आदरणीय करार सर के नेतृत्व में विश्व में एक है, वैसे ही मुझे आप सबके सामने मैं अपने आप को
गर्वारान महसूस करता हूं कि पॉलिटिक्स का जीता जागता विश्वविद्यापीठ अगर कोई है तो आदरणीय पवार साहब है, और उनके नेतृत्व में आज मैं काम कर रहा हूं। इतना ही नहीं, आज जो देश के प्रधानमंत्री है उनकी महाराष्ट्र में सबसे पहली रैली अगर किसी ने ली तो इसी पुना में 5 लाख युवकों की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो गुजरात के जब सीएम थे 2008 में, मैंने यहां पे रैली ली थी। इन सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। आज मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी लीडरशिप जो है उनके साथ काम करने का मौका किसी को मिलेगा, तो उनमें से सारी की सारी अच्छाई मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। और आज जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। आज विपक्ष का नेता और उसके काम बहुत कठिन है। एक तरफ एक मुख्यमंत्री और हर एक विभाग का एक मंत्री होता है, और उस मुख्यमंत्री और पूरे विभाग के मंत्री और सरकार के खिलाफ एक विपक्ष का नेता होता है, तो सभी विभागों पे सभी मंत्रियों के ऊपर अपना अंकुश रखना यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले जब मुझे ये पवार साहब ने, अजीत दादा ने जिम्मेदारी दी, तब लोगों का ये कहना था कि नहीं भाई ये ऐसी राजनीति हो रही है कि भाई बहन मंत्री बन गई इसलिए भाई को विपक्ष का नेता बना दिया। लेकिन आज जब मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूं, रस्ते पे निकलता हूं, या कहीं अकाल की बाढ़ की परिस्थिति में किसानों के खेत में जाता हूं, या किसी अर्बन एरिया में गटार से लेकर दिए बत्ती की चर्चा करने वहां के लोगों पे जाता हूं, तो आज लोग ये बताते कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष है, जो कुछ दिनों तक देश में भी नहीं लग रहा था कि विपक्ष कहां है ही नहीं है। आज तक राजनीति में मैंने ये देखा, जब मैं संगठन में काम करता था तभी, आज मैं विपक्ष का नेता काम कर रहा हूं, आज भी मुझे ये लगता है आज की राजनीति बहुत बदल गई है। शायद मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट स्कूल वी हैव इन एंटायर एशिया, और उस स्कूल में पढ़ने वाले महानुभवी विद्यार्थियों के सामने मैं ये बात कर रहा हूं। आज पॉलिटिक्स सिर्फ चुनावी पॉलिटिक्स नहीं रहा है। अगर आप सबको लगता है कि मैं राजनीति में प्रोफेशन करना चाहता हूं, राजनीति प्रोफेशन नहीं, राजनीति एक मिशन होना चाहिए, जो मैं अपने आप में मानता हूं। जैसे मेडिकल साइंस में आज हर डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है, न्यूरो अलग, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक अलग है, आंखों का अलग है, कान का अलग है। एक जमाना था जब एक ही डॉक्टर सब कुछ देखता था, आज वो जमाना नहीं है, आज जमाना अलग है। हर एक बीमारी पे हर एक अलग डॉक्टर है। वैसे भी राजनीति में आने वाला समय पॉलिटिकल स्पेशलाइजेशन में है। आज हर एक पार्टी को अच्छा वक्ता चाहिए, हर एक पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अच्छा प्रवक्ता चाहिए, हर एक पार्टी को बूथ से लेके हर चीज काम करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, हर एक पार्टी को एक अच्छी नेता की सभा ऑर्गेनाइज करे उसके लिए स्पेशलिटी कार्यकर्ता चाहिए।
इतना ही नहीं, जो ऑफिस का काम है वो भी है, और इससे ज्यादा आज किसी ने कितनी भी कोशिश की तो आज पार्लियामेंट की जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकती। महाराष्ट्र में किसी ने कितनी भी कोशिश की, जो विधानसभा की 288 सीटें उससे ज्यादा तो कोई बढ़ा नहीं सकता। फर्क यही होगा कि एक चुनाव क्षेत्र में 10 के बजाय 100 लोग खड़े होंगे, चुन के आएगा तो एक ही, वो चाहे फिर काउंसिल का चुनाव हो, चाहे फिर नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे फिर जिला परिषद पंचायत का चुनाव हो, उसमें जो सीटें है वो तय है। शायद कंटेस्टेंट बदल सकते हैं, कंटेस्टेंट का वैल्यूम बदल सकता है। इसलिए मेरा ये आपके सामने सुझाव है, क्योंकि आप सभी यहां से जब निकलोगे तो मुझे लगता है कि राहुल जी आप इस देश की ऐसी व्यवस्था बना रहे हो कि आने वाले 25-50 साल के लिए राजनेता की कोई कमी नहीं होगी, और वो भी परिपक्व राजनेता हर चीज से। ये काम मेरे मित्र यहां राहुल जी कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ चुनावी राजनीति को ही ध्यान में रखते हुए आज लोग काम कर रहे हैं। मैं किसी भी संगठन में देखता हूं, मैं मेरे पार्टी के संगठन में भी देखता हूं, तो मेरे से जुड़ने वाला यह आदमी एक सोचता है कि नहीं, आज मैं धनंजय के साथ जुड़ा हूं, उसके पार्टी के साथ जुड़ा हूं, मैं एक साल उसके साथ काम करूंगा, उसका कार्यकर्ता बनूंगा, और दूसरे साल जो चुनाव आ रहा है उसमें मैं धनंजय को टिकट मांगूंगा कि भाई मुझे नगर पंचायत का, जिला पंचायत का, काउंसिल का चुनाव लड़ना है, आप मुझे टिकट दे दो। आजकल के युवा राजनेताओं में सबसे पहले यह देख रहा हूं कि किसी को भी चुनाव लड़ना है या तो पार्षद बनना है, या तो जिला परिषद का मेंबर बनना है, या विधायक बनना है, या सांसद बनना है। आज ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, इसलिए अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आज भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो 24 घंटे मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के लिए भी तैयार हूं। इस ढांचे में मैं अपने आप को मैंने तैयार किया है, लेकिन बाकी आज के युद्ध में मैं ये नहीं देखता हूं। तो मेरी आप सबसे ये विनती है कि आप जब यहां से निकलो तो आप अपने आप में एक राजनीति में स्पेशलिटी तैयार करो, जिसकी मांग हो, जिसकी अपॉर्चुनिटी हो, और आपको वो अपॉर्चुनिटी जब मिले तब दूसरा बनने के लिए जितना समय लगेगा तब तक आप उस राजनीति के शिखर पे पहुंचोगे जहां तक बाकी लोगों को पहुंचने में बहुत समय लगेगा। एक मेरा सुझाव था, शायद ये आप करते भी होंगे, आई डोंट नो, मतलब मैं स्टडी तो मुझे सारी चीज की मालूम है, और ये ऐसा पोडियम है जिस पोडियम से मैं बात कर रहा हूं, जिस स्कूल की शुरुआत आदरणीय टीएन शेषन साहब की चेयरमैनशिप में हुई, अडवाणी जी से लेके हर कोई यहां आके आपके बीच में, और ये 13th बैच है, शायद मैं गलत नहीं, 13th बैच है। और मैं एक बार ऐसे ही एमआईटी में आया था, आदरणीय करार सर से मिलने आया था, राहुल जी भी थे, और तब सर से मिलने के बाद राहुल जी ने फर्स्ट टाइम मुझे बताया था कि मैं ये प्रोजेक्ट इस साल से चालू कर रहा हूं, 2005-06 की बात है। तब भी मैं राजनीति में था, मैं जनरल सेक्रेटरी था यूथ का। कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, तब मुझे पता चला कि शायद अपन खुद इस मकाम पे नहीं पहुंचे हैं कि एमआईटी अपने को बुलाए। आज शायद मुझे लग रहा है कि मैं वहां पहुंचा हूं, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा हूं, वो इस कारण से कि मुझे आज MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में आने के बाद यहां पे लग रहा है। मेरे
और राहुल जी के आप शायद आपको संबंध मालूम नहीं, रिश्ते में वो मेरे जीजा जी है, इसलिए शायद हर एक जीजा जी अपने साले को एक अलग चाह रखता है। कहते हैं ना कि तो मैं एक ऐसा साला हूं जो हमेशा से इनका लक्ष्य तो नहीं रहा, लेकिन सही मौके पे उनको बुलाया जाए। आज मुझे लग रहा है कि आप सबके सामने जब मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी में बोलने की, इतना परफेक्ट तो हूं नहीं, क्योंकि रोज मेरा काम मराठी में बोलना है और मराठी भी आप सबको शायद मालूम नहीं होगा, ये महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में मराठी लैंग्वेज भी 15-15 किलोमीटर पे बदलती है। तो अचानक से जब मुझे लेटर आया तो लेटर में हिंदी, तो तभी मुझे थोड़े से पसीने छूटे थे और मुझे एक लेटर में एक चीज, मैं खुद लेटर साथ में लेके आया हूं, तो उस लेटर में एक लाइन है, अभी कहां है वो दिख नहीं रही, कि लेकिन कहा कि आप विपक्ष के लिए एक आइडल हो और आपकी जिम्मेदारी विपक्ष में आप जिस तरीके से निभा रहे हो। लेकिन राहुल जी मैं कहता हूं आप सबके सामने, मैं ज्यादा दिन विपक्ष में नहीं रहूंगा। आज मैं जो काम कर रहा हूं, कहीं भी एक आइडिया हो, वो आइडिया निकले, वो एक बार स्पार्क हो जाए तो फैल जाती है। विपक्ष के नेता का काम यह है कि जन आक्रोश का स्पार्क करो और एक बार स्पार्क हो जाए तो सत्ता परिवर्तन होने में समय नहीं लगता। और हम सत्ता परिवर्तन गलत आरोप करके नहीं, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप करके, जो नीतियां आज लोगों को पसंद नहीं आ रही उन नीतियों के ऊपर उंगली उठा के और वो जन आक्रोश एक साथ एक करके आने वाले समय में, वैसे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता सत्ता में रहे नहीं रहे, डेमोक्रेसी है, जो है आज पावर में वो विपक्ष में आएंगे, जो विपक्ष में है वो सत्ता में आएंगे। बस बात यह है कि मैं मंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा वो अलग बात है, क्योंकि किसी का एक लक्ष्य होता है, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप सबके सामने मैं कह रहा हूं, आप सभी को मेरी तरफ से इस MIT स्कूल के, आप सब राजनीति की शुरुआत कर रहे हो, आप सबका बड़ा सौभाग्य है, बहुत अच्छे नसीब वाले हो कि आप यहां टेबल पे बैठ के आने वाले समय में राजनीति करोगे पढ़ के। हम रस्ते पे बैठ के कभी कहां खड़े रह के कहां कहां से कहां पहुंचे समझ में नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल राजनीति और इसमें बहुत सांतर है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति से मैं आया हूं उस तरह की राजनीति आप हर जगह जाके के देखते हो, इसका एक्सपीरियंस MIT देती है। गांव से लेके सांसद तक सारे अनुभव और सारे प्रोसीडिंग्स आपको देखने मिलती है। मैं मुझे राहुल जी की एक एक आइडिया ऐसी दिमाग में धमाल कर देती है। अब राहुल जी ने इस देश के प्रधानमंत्री से लेके विपक्ष नेता से लेके राज्य के मुख्यमंत्री से लेके एक आइडिया ऐसी दी है कि जैसे पार्लियामेंट है, जैसे विधिमंडल है, हमारी असेंबली है, उस असेंबली में गवर्नमेंट ने ये जो आपने यहां पे स्कूल चालू किया है वो गवर्नमेंट ने वहां चालू करना चाहिए। राहुल जी आपकी और मेरी उम्र एक ही है, मुझे देश का तो मालूम नहीं, देश के प्रधानमंत्री का तो मालूम नहीं, अगर ये सब कुछ उनको पता चल गया कि भाई ये ऐसी राजनीति भी कोई स्कूल है जो सिखा रही है,
तो आज जिस तरीके से देश का माहौल चल रहा है, शायद उनको मन में कुछ गलत लगे और राजनेता तैयार हो रहे हैं। लेकिन इसी शायद 21 तारीख को हमारी बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग है, इसी 21 तारीख को आपकी जो ये कल्पना है, जो आप में ये आइडिया आया है, सबसे पहले महाराष्ट्र के विधिमंडल में मैं उपस्थित करूंगा। और दूसरी ये बात मैं चाहता हूं, भले ही मैं राजनीतिक परिवार से आया हूं, लेकिन आने वाले समय में राजनेता का ही बेटा राजनेता बने ये मैं नहीं चाहता। अगर कोई राजनेता का बेटा जनता से प्यार मोहब्बत लेके नेता बनता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई राजनेता का बेटा या बेटी जो भी है अगर जनता के ऊपर थोपा जाए और उससे ही नेता बने तो मुझे नहीं लगता कि ये सही डेमोक्रेसी की तरफ अपन जा रहे हैं। और इसको अगर रोकना है तो ये सिर्फ MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट रोक सकती है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका किसी का राजनीति से, आपके परिवार का कोई संबंध यहां पे नहीं, किसी का होगा नहीं, लेकिन आप ये चाह रहे कि मुझे हर चीज सीखनी है। यहां तो ऐसे मैंने मेरे साथ मेरे ऐसे सहयोगी देखे जिनकी पूरी जिंदगी फॉरेन में चली गई, रात में इस देश की भूमि पे उतरे और दूसरे दिन सुबह देश के नेता बन गए। मैंने ये देखा है, मैंने ये अनुभव लिया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये सारी चीजें बदलनी होगी और बदलने के लिए पूरी एशिया में एक ही MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है। और मुझे इस बात का फक्र है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि हमारे राहुल जी ने ये स्कूल की शुरुआत 13 साल पहले महाराष्ट्र में पुणे में यहां पे की। अभी हाँ एक सुझाव आया है, राहुल जी ने मुझे दिया है कि आप इलेक्शन मैनेजमेंट पे भी बात करो। मैं एक ही ऐसा लगता है कि हर इसमें थोड़ी थोड़ी मेरी स्पेशलिटी है, इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन एक बहुत अलग विषय है। और आजकल तो इलेक्शन में जिस तरीके से स्पेशलिटी चाहिए, किसी भी सर्जन को कोई भी सर्जरी करनी है तो उसके लिए एक सबसे बड़ा डॉक्टर उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में चाहिए रहता है, वो सेडेक्शन देता है ना उसको, क्या एनेस्थेसिस्ट, वो अगर सही नहीं होगा तो आप भी इतने समझदार है, आप भी इतने पढ़े लिखे हैं कि वो ऑपरेशन सही नहीं हो सकता। तो किसी भी राजनेता को चुनाव लड़ना है तो उसको सही इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाले कार्यकर्ता की टीम अगर नहीं हो तो वो चुनाव जीत नहीं सकता। आज देखिए कई सारे बूथ होते हैं, अब जिस चुनाव क्षेत्र की मैं बात करता हूं, जिस चुनाव क्षेत्र में मैं रहता हूं, वहां 225 गांव है, 350 बूथ है, 350 बूथ में हर एक बूथ पे कम से कम 600 से लेके ज्यादा से ज्यादा 2000 तक के वोट है। अगर मुझे आप बीड़ के मेरे 6 चुनाव विधानसभा के क्षेत्र है, अगर उसमें किसी भी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ की वोट की जानकारी मांगोगे या किस गांव में किस जाति की किस लाइन पे वोटिंग होती है वो भी पूछोगे तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि इतना मैं जमीन से जुड़ के यहां तक आया हूं। आज जब बूथ की बात आती है तो वोटिंग लिस्ट की बात आती है, आज कोई भी ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो बूथ की जिम्मेदारी चुनाव के पहले 6 महीने से लेते हैं और 6 महीने वो
पूरे वोटिंग लिस्ट को ही एनालाइज करते रहते हैं। एक बूथ पे 20 कार्यकर्ता, उसके बाद हर एक कार्यकर्ता के ऊपर 100 वोट की जिम्मेदारी, और वो 100 वोट जो है वो लिस्ट में आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि भाई ये 100 वोट मेरे है, 2000 वोट है इसके, 100 वोट इसके। वो 20 जन एक साथ बैठ के जब लिस्ट पढ़ते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे कौन है, नहीं है, किसको देने वाला है, किसको नहीं देने वाला है, कौन बीच का है, कौन हवा पे वोट देने वाला है। ये एक अलग इश्यू है। और इलेक्शन में एक वातावरण इस तरीके से होता है, मुझे एक बार एक जिम्मेदारी दी गई थी, और तब ये वोटिंग की इस चीज की जिम्मेदारी नहीं दी थी, एक कैंडिडेट ऐसा था जो शुरुआत ही कमजोर कैंडिडेट था, और उसको जीतना नहीं बल्कि छोड़ दो कि उसकी हवा बनानी थी, जीतने की बात तो बहुत अलग थी, और मुझे जिम्मेदारी दी कि बस इस कैंडिडेट की हवा बना दो, वो जीतेगा नहीं जीतेगा वो आगे की बात है। तब मैंने छोटे छोटे लोग इस तरीके से जमा किए, जैसे बाल काटने वाले उस शहर में जितने लोग हैं उन सबको एक साथ किया, उनके साथ बैठा, खाना खाया, और मैंने बोला कुछ नहीं, बस बाल काटते काटते हमारा जो फलाना उम्मीदवार है उसकी चर्चा तो कर कि क्या उम्मीदवार है, जो पान खिलाने वाले होते, जो पान टपरिया कहते, पान की दुकान होती है उस पे जा, मैंने उनको सबको एक किया, उनके साथ बैठा, मतलब करना तो कुछ नहीं, आपको जिस कोड देना है दो, लेकिन पान लगाते समय, पूरी बनाते समय फलाना उम्मीदवार बहुत अच्छा है, बहुत हवा चल रही है करो। बनते बनते उसकी हवा इतनी बन गई, 50,000 वोटों से हारने वाला 5,000 वोटों से हार गया। ये भी एक इलेक्शन की मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है। अब दूसरी इलेक्शन की मैनेजमेंट की प्रोसेस ये भी है कि जो इलेक्शन में काम करने वाला है, आप सबके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, आज भी मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं गुजरात में किसी भी तरह से जाके राजनीतिक काम कर सकता हूं अभी के इलेक्शन में, लेकिन मेरी ये सारी व्यस्तता होने के बावजूद मैं 4 दिन किसी को भी न बताते हुए गुजरात का इलेक्शन ऑब्जर्व करने जा रहा हूं। मैंने पश्चिम बंगाल का इलेक्शन ऑब्जर्व किया, और मध्य प्रदेश के 2 बार, गुजरात के 2 बार, दिल्ली का 2 बार, ये सारे राज्यों में मैंने जिम्मेदारी लेके एक कार्यकर्ता बोल के चुनाव में काम किया है। हर जाति का वोट किस तरह से जाएगा, एक बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि 10-15 साल में एक बार हिंदुत्व या रिलीजन के नाम पे वोटिंग होती है, हवा बनती है। अगर हिंदुत्व को कोई रोक सकता है तो ये भी राजनीति वालों को, पार्टियों को मालूम है कि उसमें जाति पाति का राजकारण आ गया तो हिंदुत्व रुक सकता है। जब धर्म की बात आती है और जब जात की बात आती है, धर्म की हवा बनती है तो धर्म के साथ हर जाति जाती है, लेकिन जब धर्म की हवा नहीं होती तब जाति ही काम आती है। ये शायद मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, मैं ये मानता हूं। तो इस पे काम करने वाली भी आज स्पेशल चाहिए कि भाई इसी जाति में वो काम करने, अगर वो उस तरीके से इलेक्शन है तो उस जाति में काम करने वाला अलग चाहिए, सामने वाला का क्या कैसे चल रहा है ये अलग है, और इसके बाद बाकी जो मैनेजमेंट है, जैसे ओपनली कैमरा के सामने नहीं कह सकता हूं जो हर पार्टी करती है, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट ये एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन वही असर करती है। अभी और एक बार राहुल जी जब बुलाएंगे तो मैं शायद वो बुलाए नहीं बुलाए, आज आप सबके बीच में मैं ऐसे जुड़ गया हूं, आपने नहीं भी बुलाया तो साल में हमारे भी 2 दिन आपके लिए, आपके स्कूल के लिए गेस्ट बोलिए नहीं बोलिए, राहुल जी का एक सबसे अच्छा सहयोगी बोल के MIT स्कूल से मैं जुड़ा रहूंगा। ये आप सबके पहले भी जुड़ा था, MIT कराड परिवार, मुंडे परिवार, ये एक है, मैं नहीं मानता हूं हम अलग है, लेकिन ये जो काम है ये करना बहुत बड़ी बात है।
पार्टी चलाना हो, कार्यकर्ताओं को संभालना हो, और कार्यकर्ता जब नेता बनते हैं तो वो एक अलग स्कूल होती है। लेकिन आप ये जिस तरीके से प्रोफेशनली कर रहे हो ये बहुत अलग है। मैं मानता हूं आप सबको एक अच्छा फॉर्मेट राहुल जी ने तैयार करके दिया है। मैं उनसे अपनी तरफ से यही बात कहूंगा कि जो भी उम्मीदें आपने लगाई होगी मेरे से, मैंने तो आज तक हर उम्मीद आपकी पूरी की है। आज आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद पूरी की है कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, तो आपके साथ मैं हमेशा हूं। और आप सभी को मैं आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से राजनीति करना चाहते हो। मैंने जैसे बोला कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर BMS भी है, MBBS भी है, डेंटल का अलग है। अगर आप मास पॉलिटिक्स में आना चाहते हो उसमें डूज और डोंट डूज में अलग अलग चीज है। मास पॉलिटिक्स में जब आओगे तब आपका पहनाव से लेके आपके सोचने के, आपके पब्लिक प्रेजेंस से लेके हर चीज अलग होनी चाहिए। हमेशा से स्माइल रहनी चाहिए। मैं आपको कई सारी चीजें दिखा सकता हूँ, कई उदाहरण भी दे सकता हूँ, लेकिन आज उन नेताओं का नाम लेना और उनका उदाहरण देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन ऐसे एक नेता अकेले में मैं दे सकता हूँ नाम आपको, ऐसे कुछ नेता है जो डायरेक्ट मास से आए हुए है, हमेशा देखो उनके चेहरे पे एक अलग स्माइल रहती है, क्योंकि उनको कैसे भी वो हंसना ही है बस मुंह। और जो क्लास पॉलिटिक्स से आए, डायरेक्टली काउंसिल में गए, ऊपर राज्यसभा में गए, उनका एक अलग रहता है कि भाई मैं इतने लोगों से ही मिलूंगा, मैं इतना ही काम करूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा, मैं इतना ही टीवी पे जाऊंगा, तो उसने उसके एक कैनवास में उसको फिट करके रखा हुआ है। लेकिन मास पॉलिटिक्स में आप जाओगे तो डूज और डोंट्स में आप प्रैक्टिकली जब उतरोगे तब आपको अपने आप में समझ में आएगा। और आजकल तो मैं मानता हूं सोशल मीडिया ये इस कदर राजनीति पे हावी हो गई है, उसमें सब कुछ किसी का भला बुरा जो होना है वो वोटिंग के बाद नतीजे निकलेंगे तब निकलेंगे। वोटिंग के नतीजे के पहले अगर नतीजे निकालने तो सोशल मीडिया पे कुछ भी डालो तब समझ में आ जाए रिफ्लेक्ट होता है क्या है और क्या नहीं। लेकिन एक बात है, आप जहां काम करते हो, काम करते समय जिस तरीके से आप आदत लगाओगे आपको भी और आपके काम से पब्लिक को भी जो आदत लगेगी वो एक्सेप्ट होगी। अगर मैं आपकी तरह इन करके मैं घूमूंगा, ये शुरुआत से मैंने किया होता तो पब्लिक ने वो भी एक्सेप्ट किया होता। जहां मैं काम करता हूँ जिस वहां पे भी वो अपने ऊपर है, बस हर चीज पॉजिटिव रहो और काम में बात करने में ईमानदारी रखो, वही सबसे बड़ी बात है। जितनी आपको बोलने में कठिनाई आ रही उससे कहीं ज्यादा मुझे कठिनाई आई थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के रूट से कार्यकर्ता था। मैंने जितना ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी में काम किया, मुझे नहीं लगता आज के जितने स्टेट की लीडरशिप है, CM साहब भी, इन्होंने इतना कोर में काम नहीं किया जितना मैंने किया था। तो स्वाभाविक है जब एंटायरली सब बदलना है तो बहुत मुश्किल हुई। 5 साल इस ट्रॉमा में रहा, अभी थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं निकल नहीं पाया, लेकिन फर्क है। लेकिन जब किसी जिम्मेदारी, किसी विश्वास के साथ आपको कोई पार्टी जोड़ लेती है, और मेरा ये स्वभाव है ना, मैं भारतीय जनता पार्टी में था तब मेरा कोई निजी स्वार्थ था, यहां आया हूं तो मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है,
ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, मैं धनंजय मुंडे हूं, आपको लगता है राजनीति में मैं काम करता हूं, आपने जिम्मेदारी दी ली, मैं वो निभाऊंगा। तो उसमें एक तो विचार अलग अलग थे पूरी तरह से, साउथ नॉर्थ, और वो बदलना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल गया, बहुत ज्यादा। ऐसा कहते हैं ना कि पूरा नया जन्म ही मेरा हुआ है और आज आपके सामने हूं। देखिए ऐसा है कि गॉडफादर होना, कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी का गॉडफादर नहीं है, कोई भी राजनेता। आज मैं, मेरे जो गॉडफादर है पवार साहब, वो खुद आज उनकी इतनी उम्र में वो बोलते कि उनके गॉडफादर यशवंतराव चव्हाण थे। आज बड़ा बनने के बाद कोई बोल नहीं था, बोलता नहीं है बड़ा मन करके कि भाई ये मेरे गॉडफादर थे। लेकिन है, जब मैं पार्टी में था, मैं आज किसी वो उनका नाम नहीं लेते, मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं था, मुझे कार्यकर्ता अगर पहले किसी ने बनाया तो वो शरद भाव कुलकर्णी थे, शायद किसी को मालूम नहीं होगा उनका नाम, संगठन मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने मुझे, जैसे एक मूर्ति बनाते हैं ना, तो वैसे मुझे बनाया गया है। इसलिए गॉडफादर होना जरूरी है। मैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन काम करते रहोगे ना तो आखिर में कोई गॉडफादर होगा, तो उसको भी किसी ना किसी को तो ढूंढना है ना। समझो मैं हूं, आप मेरे सहयोगी हो, मैं चुनाव में लड़ रहा हूं, आप मेरे लिए काम कर रहे हो। मैं ज्यादा ज्यादा एक चुनाव लड़ूंगा, दो चुनाव लड़ूंगा, जब उसके बाद तो मैं देखूंगा कि भाई इसने काम अच्छा किया, इसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ गॉड फादर एंड ये रिलेशन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वही विषय आता है, हर चीज में किसी ना किसी ने जिम्मेदारी तो देनी चाहिए। अगर मुझे ये जिम्मेदारी नहीं देते तो मेरा आज जो रिकॉग्नाइजेशन आपके सामने आया वो नहीं आता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिम्मेदारी देने वाला एक गॉडफादर चाहिए। इलेक्शन में भी क्या देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो बूथ की चीज आपने कही है, उसमें जैसे मैं, एक बूथ की बात आती है तब एक बूथ का जो प्रमुख है उसके ऊपर 10 बूथ का एक प्रमुख रहता है। तो ये एक हर पॉलिटिकल उनके उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो रचना है उसमें वो तय कर, कोई 50 बूथ पे एक करते है, कोई 10 बूथ पे करता है, और वो जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ती है। जब 10 बूथ की जिम्मेदारी लेने वाला अगर वो अर्बन एरिया में कोई रहता है तो एक चुनाव के बाद वो दूसरी बार वही कोशिश करता है कि वो काउंसिल में खड़े रहे, वही उम्मीदवार होता है। गांव में अगर कोई एक बूथ की जिम्मेदारी ले रहा है तो दूसरे चुनाव में वो खुद ही गांव में, गांव के चुनाव में खड़ा रहता है। तो ये एक है, उसमें कनेक्शन तो रखना ही पड़ता है। मैं जैसे कनेक्शन में हूं, अगर मैं, मुझे चुनाव लड़ना है तो मेरा यह स्वभाव है कि मैं बूथ के उस प्रमुख के साथ मैं जुड़ा हूं, आज भी हूं, मेरा यह स्वभाव है। हर एक का नहीं होता, कोई कोई बड़े नेता होते हैं जिनके नीचे कार्यकर्ताओं की टीम इतनी बढ़िया रहती है तो वो उनको जरूरत नहीं होती। सवाल पूछने वाले को कम सवाल पूछे आज। I'm so happy today that Shri Dhananjay Munde ji is here and he has spoken to my students today. As you were saying that, sir, you were waiting and we are also, actually we were waiting. Last year possibly we spoke to your office and then you were not available in India possibly. So that's the reason we couldn't do. But I'm very sure that you will come back to us again and my children will definitely get a lot of inputs from you. आपके बारे में हम जब क्लास में डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट लीडरशिप्स और लीडरशिप स्टाइल्स इन दैट केस, यू नो दैट्स वन ऑफ द मॉड्यूल व्हिच वी हैव, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, फीचर्स ऑफ डिफरेंट लीडर्स। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट इन द क्लास, इन द सेम क्लासरूम विद सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन वी वर हैविंग, देन वन ऑफ द स्टूडेंट कमेंटेड सेइंग दैट
even the Chief Minister of Maharashtra has appreciated you, saying that there has to be a different type of personality, and then there is a need for any of the state to have a perfect opposition leader the way we have, right? So possibly that is how it started, and we really wanted you to come back to us as such. And the letter which we're mentioning it, maine khud likha hai, I only wrote it as a strong opposition leader, and we really wanted to hear from you that what you exactly you have done as a opposition leader and everything. That's the reason we opened it as a topic, so that you'll come here and students will ask the questions and all. We definitely wish, all of us, we all are with you, we wish that you will definitely be in the ruling party on the other side. Maybe next election we would like to see you on the other side as such. Jab bahut logon se hum baat karte rehte, of course this being the school of government, I have the opportunity to speak to different sections of society. So कार्यकर्ताओं से जो बात करते हैं, स्पेशली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंस के बारे में बात करें, द पीपल दोज आर टॉकिंग अबाउट सर, इट्स नॉट दैट मैं आज ये बात करूं बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, बट दिस इज एक्चुअली इट हैज हैपेंड दैट मुंडे सर इज अ वन हु ऑलवेज टेक्स एवरीबडी टुगेदर. जब ये मुझे मन में ये आ जाता है दैट वेन एवर देर इज अ गॉड एंड इफ यू हैव फेथ ऑन गॉड, वेन एवर यू आर इन अ पर्टिकुलर मे बी एज ऑफ अ क्लिफ से फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू हैव सम फेथ ऑन गॉड एंड लेट इट गो, सो दैट God will always help you to come out of the situation, right? Either he will teach you how to fly or he will hold you not to fall back. So this is something which always I always believe in this. When I was talking to so many political workers in that particular area and all, because of different work associated with school of government, all of them or majority of them, they're talking about similar things, saying that Munde ji ne hamara haath abhi tak choda nahi hai. Now possibly this is something which is a great compliment which anybody can receive possibly. And I'm sure all those are sitting here or even the outside world, they are with you. With this, I request Shri Rahul Karat ji to speak from the dais. So we have given a minute's time. He is the initiator as far as the school of government is considered. The beauty of school of government is this, possibly he doesn't want me to speak more, but possibly whatever you have seen, this is he's the man behind this particular success. Sir, please. On behalf of the bodies of trustees of MISE, the MIT group of institutions, the chairman of our council of MIT School of Government, Shri Raghunath Mashalkar, our mentor, former Chief Election Commissioner T.N. Session, and Dr. Haridas and Professor Gavane, and all my dear students sitting here from different parts of Maharashtra and India. Once again, let me take opportunity to welcome from my bottom of heart my dear friend Shri Dhananjay Munde ji, honorable speaker of honorable opposition leader of Vidhan Sabha, and I must take a little opportunity to just convey my thanks again to him. What a wonderful discussion. I think very practical, the ground efforts what he has taken and how he has come up to this level in his whole career, and of course and some of the few questions I heard, I'm really not satisfied with all the questions. But maybe in the future when he comes, I hope that the future batches will ask much smarter questions and impress him. And today, naturally it feels in my case also when somebody said about the godfather or the family background. In my case also people feel, yeah, Dr. Karat is there. But I think, trust me, that whoever has, there is some background is there, it definitely helps. For a cinema star, there are many examples. I really don't want to quote any example as such. But you see, with a very strong background, some cinema people or even politician children also, they have failed in their career. So we really have to understand. So it is all about whether you have that spark or not, whether you have that ability to really influence the society. And it has to be developed from your own efforts and dedication. You know, some of the karyakartas were sharing me. Of course, we had hardly formal discussions, frankly speaking. Thank you so much. The kind of the family relations he shared, but till midnight, 2 o'clock, Mr. Munde used to watch the videos of Pramod Mahajan and Gopinath Munde and Sharad Pawarji and various such leaders in the country to develop, and that's how he has come to this level. So we have to really, and any such thing, it happens. Somebody recently, I saw the Bahubali. So for a minute, I was thinking that in the shoes of Rajmouli, that how come he really gave this thought of creating Dhananjay ji, such a large canvas. And if somebody really want to think big, I think we must watch Bahubali and some such creations. So before any creation, the hardship we have to
really think about it and we have to get into that really mode, then we can really have Dr. Karat today. Now this institution with some 10,000 people work with this public charitable trust, with some four universities and various institutions. So we have to 35 years before, what was that dream of this person? So I think that's how, and I'm very happy that Dhananjayji supported this very cause of establishing this 30 Vidhan Sabha school. The other day I shared, I have one selfish motive to invite you to this place. That he said, yes, Mr. Karat, what do you feel, Mr. Rahul? And then I shared with him that we have ambition to establish 30 Vidhan Sabha schools. You know, in various Vidhan Sabha must establish one school and we can be a knowledge partner because we are the first one in the country. And in a half a minute, he said, I'm with you and I'm going to ensure that, you know, the government takes the cognizance of this, and Vidhan Sabha definitely take a lead of this. And today, Dhananjayji, I must again thank you that this very important charitable trust in the state of Maharashtra, in among the engineering colleges out of 350 colleges, we are those top 3-4 private institutions. And in the country, after IIT and VJIT in the engineering area, we are in top 10, top 10, 15 institutions in the private sector. And recently we evolved as a university, the Dr. Vishwanath Karat MIT World Peace University. So this particular now School of Government comes under the aegis of MIT World Peace University. And another university is MIT Art, Design and Technology University. And I'm very happy to say once again, I put on record that my thanks to Honorable Chief Minister of Maharashtra, the Education Minister, Shri Vinod Tavadeji. And from the opposition, I must say that Vidhan Parishad President Nimbalkar Sahab. And today I'm so happy that Dhananjayji, you know, I said that because it was a very, when the bill comes in the assembly, it was a very interesting process. You all know that how the law is made. These are the lawmaking bodies, and in a very dignified manner, because 35 years, Dr. Karat, he gave so much to the state of Maharashtra, and he was rather a pioneer of privatization of education. And after him, of course, respected D.Y. Patilji, Patangrao Kadam, Kamal Kishoreji, and various other people, and they all, these 3-4 people, created a culture of privatization of education. And it was quite a concern for me that in assembly, when the bill goes, it should carry with a dignity, decency and decorum. And I requested Dhananjayji, and he was so generous, and he said, Rahul, from opposition, definitely what Dr. Karat, we recognize his efforts for the state of Maharashtra, and we support this cause. And he was one. So I'm thankful to you, Dhananjayji. Today you have come with this very School of Government purpose, but I just thought of sharing my mind in front of you. Please take a full benefit of this workshop, and I think it is fantastic. This is the first school in India to develop the future politicians, how it evolved. You all know the story, and definitely that day is not far, that the next 3, 4, 5 years down the line, Maharashtra government and Maharashtra Vidhan Sabha, if they take the lead, it will become a benchmark for other Vidhan Sabha to follow. And that day is not far, that School of Government, and you all will be the proud student of this institution to say that, yes, we are that very seed institution students, the MIT School of Government. Thank you so much, Dhananjayji, from my bottom of heart. Thank you. नमस्ते सर, मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि मैं जिनको इंस्पायर करता हूँ, जो एक एक लाख लोगों के सामने बोलते हैं, वो मेरे सामने बैठे और वो मेरी बातों को सुन रहे हैं सर। सर मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बौना फिर बौना है, चाहे वो पर्वत के शिखर में क्यों ना हो, और देवता फिर देवता है, चाहे वो विपक्ष का नेता क्यों ना हो। सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इस सेशन में आते रहेंगे और हमेशा हम इंस्पायर करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।